जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम यूपी बोर्ड 2024 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करा रहे हैं इस समय यूपी बोर्ड 2024 टारगेट है इस समय तो अगली वीडियो में हमने कहा था कि हम अगले क्वेश्चन कराने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होगा और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी सभी साथियों जो बच्चे जो भी स्टूडेंट हैं जो 2024 के लिए जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद बहुत बहुत उपयोगी ये वीडियो होने वाली है जितना भी है तो हमारे चैनल से सभी लोग जुड़ जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो पर डे जो है आपको इम्पोर्टेंट तौर पर हम एक दो वीडियो आपको देते रहेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा के आपकी दो की तैयारी पूरी सत्तर बाई सत्तर की हम तैयारी करा सकते हैं यहाँ पर आप हमसे जुड़िए रहिए बिल्कुल सत्तर में से सत्तर की पूरी पूरी फुल गारंटी के साथ तैयारी होने वाली है ये और आज का जो क्वेश्चन रहेगा हमारे पास क्वेश्चन पे आते हैं बिना टाइम खर्चे हुए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन है हमारे कि गौस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यह कह रहा है कि अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या कह रहा है कि एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर वैदु क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा खुद ही देख रहा है

जिस पे क्या है धनावेश क्या है इसके मतलब क्षेत्रफल पे क्या है ये वितरित है हम जानते हैं आवेश का वितरण जो होता है मेरे साथी वो तीन तरीके से होता है जब आवेश लंबाई पर वितरित होता है जिसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या कहते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व रेखीय आवेश होता है लैम्डा और लैम्डा बराबर होता है क्यू अपान एल जब एकांक लंबाई पर आवेश वितरित होता है तो उसे क्या कहते हैं रेखी आवेश घनत्व कहते हैं और जब एकांक क्षेत्रफल पर आवेश वितरित होता है तो उसे कहते हैं हम पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व तो ये जो हमारे पास आवेश है वो कहां फैला हुआ है क्षेत्रफल पे फैला हुआ है अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो सिग्मा होगा क्या होगा सिग्मा होगा वो क्या होगा क्यू अपान ए होगा क्या होगा क्यू अपान ए होगा यानी इस चादर पर जो हम पृष्ठीय आवेश की बात करें किसकी करें हम पृष्ठीय आवेश घनत्व तो ये हो जाएगा सिग्मा और सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए अगर हम क्यू की बात करेंगे तो यहां हो जाएगा सिग्मा ए क्या हो जाएगा सिग्मा ए अब आते क्वेश्चन पे उसने कहा कोई एक अचालक चादर है जिसके निकट किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे कि माना अनंत विस्तार की एक धनावश्यक चादर है जिसके निकट किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है माना इस चादर से कितनी दूरी पर यहां से माना इस चादर से इस्म आर दूरी पर कितनी दूरी पर इस्माल आर दूरी पर एक बिंदु क्या है पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस तरफ पे एक बिंदु हमने मान लिया क्या है यहाँ पे बिंदु पीडेस है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है मालिया इस बिंदु पीड को एक हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल DA डी ए के द्वारा क्या करा है घेर दिया है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा डी ए की दिशा में होगी तो यहाँ पर ठीटा बराबर क्या बनेगा जीरो बनेगा इसी प्रकार इधर ये हो जाएगा हमारे पास डी ए और ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तो यहाँ भी ठीठा बराबर क्या होगा जीरो डिग्री होगा हम जानते हैं जे इकांग जो क्षेत्रफल होता है, वो लंबवत सतह की बाहर की ओर खींचा हुआ एकांक जो वेक्टर होता है वो क्या कहलाता है? है क्या कहलाता है नब्बे डिग्री होगी क्योंकि ये डीए इधर है डीए इधर है और यहां पर ई इधर होगा यहां पे ठीक है तो ये हमारे पास तो आते हैं सवाल पे हम तो हमने कहा क्या लिखोगे इसमें कि माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर है जिसके निकट किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करना है माना इस चादर से इसमाल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान याद करना है तो हमने क्या करा बिंदु पी और बिंदु डैश से एक हमने क्या करी गौसीन पृष्ठ की कल्पना की क्या कि हमने गौसीय पृष्ठ से कल्पना की तो हम लिखेंगे बेलनाकार गौसियन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स फ्लक्स तो मेरे बच्चे फाइव ई बराबर हो जाएगा ई इन टू क्या होगा डी ए थीटा प्लस इंटू e डी theta. मेरे बच्चे हम जानते हैं जो वैद्य फ्लक्स होता है वो फाइव बराबर क्या होता है ई e होता डी अब देखो यहां पर दो हैं सिरे और एक है पृष्ठ तो यहां दो से गुणा कर देंगे यहां पे, यहां पे नहीं होगी और यहां लिख देंगे हम ये हो गया सिरों पर और ये हो जाएगा पृष्ठ पर वक्र पृष्ठ पर अब हम जानते हैं सिरो पर जो थीटा का वैल्यू कितनी है जीरो है तो यहां पे थीटा बराबर होगा जीरो डिग्री और यहां पे होगा थीटा बराबर कितना होगा मेरे बच्चे नब्बे डिग्री अगर हम बात करें तो कॉस जीरो का मान होता है वन और कॉस नब्बे का मान होता है जीरो तो मेरे साथियों फाइव ई बराबर हो जाएगा यहां पर टू इंट्रीगेशन इंटू डी ए और यहां लगाएंगे तो की वैल्यू हो जाएगी cos जीरो और प्लस ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी ए और ये हो जाएगा cos नब्बे तो मेरे साथियों फाइव ई e बराबर हो जाएगा टू ई इंटीग्रेशन डी ए क्योंकि इसकी वैल्यू बन हो जाएगी और प्लस इसकी वैल्यू क्या है जीरो तो ये हो जाएगा जीरो तो हम जानते हैं डी ए अब इस पूरे जो गोश्चल पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या है बेटा ए है तो हम जानते हैं डी ए की जगह पे हम क्या ले सकते हैं क्या ले सकते हैं क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा ई बराबर टू ई इन टू ए टू इन टू ए अब इसके बाद आता है गौस की प्रमेय से किसे लेंगे हम गौस की प्रमेय से ये समीकरण एक हो गई हमारे पास अब लिखेंगे यहां पे हम गौस की प्रमेय से गौस की प्रमेय से और जो गॉस की प्रमेय होती है गॉस की प्रमेय होती है फाइव बराबर फाइव ई बराबर होती है क्यू अपान एफ सैलोन नॉट मेरे साथियों अभी हमने कहा था सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए अब इसकी जगह पे अगर हम फाइव ई है और इसकी जगह पे हम सिग्मा ए रख दें और बटे क्या आ जाएगा यहां पे एफ सैलो नॉट क्या आ जाएगा एफ सलोन नॉट अब जाए हम समीकरण एक में जब हम समीकरण एक में जाएंगे तो समीकरण हमारे पास एक जे है तो इसकी जगह पे आ जाएगा सिग्मा ए एफ सैलो नॉट बराबर ये चल रहा है टू ई ए ऐसे ए। ए खत्म हो जाएगा यहां से जब ई का मान निकालेंगे तो हो जाएगा सिग्मा अपान टू एफ नॉट तो कोई अनंत विस्तार की समतल चादर है तो उसके निकट किसी बिंदु पर बैतु क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है ई बराबर सिग्मा अपान

नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों क्वेश्चन का लेवल देखो आप क्वेश्चन का लेवल देखिएगा मजे आ जाएं क्वेश्चन का लेवल देखिएगा मजे आ जाएं क्वेश्चन का लेवल देखिएगा

तो तुल्य तुल्यधारता हमें कहां से निकालनी पड़ेगी यहां देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला जो है दिखाई दे रहा है तीन ये तीन तो ये तीनों को देखेंगे ये कौन से क्रम में है तीनों ये कौन से क्रम में तीनों है मेरे बच्चे यहां से अगर कोई हम संचित करेंगे तो यहां से देखो ये तीन बटवारा होगा एक इधर जाएगा इधर जाएगा और इधर जाएगा और जब तीनों में आवेश अलग अलग जाता है तो कह देती है समांतर क्रम में है किसमें है समांतर क्रम में है तो मेरे साथियों समांतर क्रम में है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन तीन माइक्रोफेरेट की इनकी बात करेंगे तो हम लिखेंगे यहां पे तीन माइक्रोफेरेट तीन माइक्रोफेरेट तीन माइक्रोफेरेट समांतर क्रम में है और जो समांतर क्रम में है तब इनकी तुल्य धारता हो जाएगी तीन प्लस तीन प्लस तीन यानी कितनी हो जाएगी no नो माइक्रोफेर इसकी जो क्रम में जुड़ते हैं कितनी आई है नो माइक्रोफेरेट आ गई है कितनी आ गई no है नो माइक्रोफेरेड यानी आ गई है no नो माइक्रोफेरेड no अब ये जो नो no माइक्रोफेरेड है वो इसके साथ किसमें जुड़ा हुआ है में जुड़ा हुआ है तो यहां लिख सकते हैं हम सीवन तथा सीवन तथा अठारह है कितना है माइक्रो माइक्रोफेर किसमें है ये सीढ़ी क्रम में है तब तुल्य धारता तो इसको सी टू लिखेंगे हम और सी टू बराबर हो जाएगा सीवन गुणा एटीन बटे सीवन प्लस अट्ठारह यानी सीवन कितना आया है नौ गुणा अठारह बटे नौ प्लस अट्ठारह यानी हो जाएगा नौ गुणा अठारह बटे सत्ताईस नौ तियाँ सत्ताईस तीन चक अठारह यानि यहाँ से सी टू आ जाएगा हमारे पास छः माइक्रोफेरड कितना आ जाएगा माइक्रो फेरड कितना आ जाएगा ये इतना माइक्रोफेर हो चुका है हमारे पास ये इतना। ये ये इतना कितना आया? फेरड आ गया है अब ये वाला और ये वाला ये कौन से क्रम में है समांतर क्रम में है किसमें है ये समांतर क्रम में है तो हम लिख सकते हैं यानी माइक्रो फेरड तथा सी टू समांतर क्रम में है तब C3 निकालेंगे, निकाल लेंगे तो कहा सीधे से जोड़ दो तो छ माइक्रोफेरेट और प्लस C2 का मान कितना आया छ माइक्रोफेरट और टोटल हो जाएगा मेरे साथियों बारह माइक्रोफेर कितना हो जाएगा बारह माइक्रोफेर अब इतने का आ गया पूरे का यानी ये पूरा आ गया है कितना आया है यह पूरा बारह माइक्रोफेरेट कितना आया है बारह माइक्रोफेड अब यह बारह और ये चार माइक्रोफेरेट कौन से क्रम में है श्रेणी क्रम में है कौन से हैं श्रेणी क्रम में है तो ले सकते हैं हम यहां पे अब बारह माइक्रोफेरेट तथा चार माइक्रोफेरेट श्रेणी क्रम में है तब परफत की धारता तुल्य धारता तो अभी श्रेणी क्रम का सूत्र बताया था हमने तो ये हो जाएगा सी बराबर कितनी है बारह है और कितनी है चार तो लिखेंगे हम बारह गुणे चार बटे बारह प्लस चार यानी सी बराबर आ जाएगा बारह गुणा चार बटे सोलह चार चौक सोलह चातियां बारह यानी सी बराबर आ जाएगा हमारे पास तीन इस परपत की जो तुल्य तुल तीन माइक्रोफेरा कितनी है तीन, है, कितनी है? तीन तो मेरे साथियों बस सिंपल कर दें ये तीनों कौन से में है समांतर में फिर कौन है श्रेणी में फिर कौन है समांतर में फिर कौन है श्रेणी में, में तो निकाल सकते हैं हम श्रेणी में निकालते हैं तो दो का निकालते हैं तो ए इंटू सी वन इंटू सी टू बटे सीवन प्लस सी टू सूत्र याद कर लो और समांतर तो सीधे सीधे जोड़ दो अब हमसे पूछा क्या गया है चार माइक्रोफ पर हमें क्या निकालना विभांतर निकालना विभानतर के लिए हमें चाहिए आवेश तो लिखेंगे संचित आवेश में संचित आवेश सूत्र होता है Q बराबर सी बी तो C कितना आया है तीन और B कितना है दो माइक्रोकूलाम यानी कितना आ गया छह माइक्रोकूलाम तो इस पर में तो संचित आवेश होगा वो कितना होगा माइक्रो कुलाम होगा कितना होगा छ कुलाम हमें निकालना क्या है विभव निकालना है अब लिखेंगे इसमें हम चार माइक्रोफेरेट पर विभव तो बी बराबर हो जाएगा क्यू उपान सी तो क्यू कितना हमारे पास छे सी कितना है चारोिया छह दो दूनी चार यानी बी बराबर आ जाएगा तीन बटे दो और इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा वन पॉइंट फाइव वोल्ट कितना आ जाएगा वन पॉइंट फाइव वोल्ट यानी देखा जाए तो चार संधारित्र है उसकी प्लेट पर जो विभव होगा वो कितना होगा वन पॉइंट फाइव माइक्रोफेरेट होगा कितना होगा वन पॉइंट फाइव कितना होगा 1.5 पॉइंट फाइव बोल्ट वन पॉइंट फाइव बोल्ट तो बेरी धांसू क्वेश्चन था बेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैंने कहा था क्वेश्चनों का लेवल हल्का नहीं होगा देख लीजिएगा पांच गुणा दस की पावर माइनस आठ पांच गुणा दस की पावर माइनस आठ कुल तथा तीन गुणा दस की पावर माइनस आठ कुल के दो आवेश सोलह सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा अनंत पर विभव शून्य लीजिए और एनसीईआरटी क्वेश्चन है और यूपी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है मैंने कहा क्वेश्चनों का लेवल सिंपल नहीं है क्वेश्चन बहुत क्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए मेरे साथियों जितने यूपी बोर्ड दो को दे रहे हैं वो ईमानदारी से वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और वीडियो को सही से पढ़ें तो नंबर अच्छी खास उनके आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं पांच गुना दस की पावर माइनस आठ तीन गुना दस की पावर माइनस आठ कुलाम के दो आवेश सोलह सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत होगा तो मेरे साथियों पर जो वैद्युत विभव दोनों मिलाने वाली रेखा पर किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा तो मेरे साथियों अगर हमारे पास पांच गुणा दस की पावर माइनस आठ है और इधर है माइनस का तीन गुणा दस की पावर माइनस आठ गुलाम है और एक दूसरे से सोलह सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो ये बिंदु दो तरीके से हो सकता है बिंदु यहाँ भी हो सकता है और बिंदु बाहर भी हो सकता है समझ रहे हो तो यहाँ पे बिंदु हमें दो जगह से लेना है बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है तो यहाँ पर आ नहीं सकता तो हम क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं फिर समझाते हैं सही से पाँच गुण तो हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक है पांच गुणा दस की पावर माइनस आठ और एक हमारे पास है माइनस तीन गुणा दस की पावर माइनस आठ गुणा और एक दूसरे से सोलह सेंटीमीटर की एक मिनट कर लो क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा भाई अब क्वेश्चन दिख रहा होगा मुझे नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने ऐसे कर लिया हैं। आप पढ़ती है आप देखिएगा आप हैं पांच गुणा दस की पावर माइनस आठ कुलाम तथा माइनस तीन गुणा दस की पावर माइनस कुलाम के दो आवेश सोलह सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तो हमने लिखा कि दो बिंदु आवेश हैं यहां पे एक है पांच गुणा दस की पावर माइनस आठ का है और दूसरा है हमारे पास माइनस का तीन गुणा माइनस का तीन गुणा दस की पावर माइनस आठ का है और एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो यहां से दो कंडीशनें बन सकती हैं पहला पॉइंट होगा जब बिंदु दोनों आवेशों दोनों आवेशों के बीच में हो में अब ने माना कि यहां से x दूरी पर एक बिंदु हमने लिया P, इस पे निकालना विभव क्या है शून्य है जब ये दूरी x है तो इधर दूरी हो जाएगी हमारे पास 16- माइनस एक्स अब लिखेंगे बिंदु P पर विभव तो सबसे पहले हम बीपर निकालेंगे तो सूत्र सबको याद ही है बन अपान क्या हो जाएगा फोर पाई एफ सेलो नॉट इन टू और यहां पे कितना है क्यू है तो कितना हो जाएगा यहां पे फाइव गुणा दस की पावर माइनस का आठ बटे यहां कितना है एक्स और इसी प्रकार अब हम माइनस तीन के कारण निकालें माइनस तीन गुणा दस की पावर माइनस आठ कूलाम के कारण बिंदु पीपर विभव तो ये हो जाएगा बी टू बराबर बन अपान फोर पाई एफ नॉट और जो हो जाएगा माइनस का तीन गुना दस की पावर माइनस आठ बटे और दूरी है हमारे पास सोलह माइनस एक्स उसने कहा बिंदु पर पी पर विभव तो निकालेंगे बी वन माइनस बी टू बराबर क्या है जीरो क्या है शून्य है तो बीबन कितना आया हमारे पास बन अपान फोर पाई एफ नॉट इंटू पांच गुणा दस की पावर माइनस आठ बटे माइनस क्या हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा हमारे पास बन अपान फोर पाई एफ सेलो नॉट इंटू हो जाएगा तीन गुणा दस की पावर माइनस आठ बटे और ये हो जाएगा सोलह माइनस एक्स और बराबर क्या चल रहा है जीरो तो ये हो जाएगा बन अपान फोर पाई एफ सैलो नॉट इंटू पाँच गुणा दस की पावर माइनस आठ बटे एक्स और इधर आके हो जाएगा बराबर में बन अपान फोर पाई एफ सैलो नॉट तीन गुना दस की पावर माइनस आठ बटे सोलह माइनस एक्स ये खत्म यहां से दस की पावर माइनस आठ यहां से खत्म तो यहां बचेगा फाइव अपान एक्स बराबर थ्री अपान सोलह माइनस एक्सुणा करेंगे सोलह पंजे कितना हुआ अस्सी माइनस का पांच एक्स ये हो जाएगा थ्री एक्स हो जाएगा अस्सी बराबर थ्री एक्स प्लस का पांच एक्स यानी पांच तीन कितने हो बराबर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा अस्सी तो एक्स बराबर आ जाएगा अस्सी बटे आठ आठ धाम अस्सी एक्स बराबर कितना आ जाएगा दस सेंटीमीटर आ जाएगा यानी दस सेंटीमीटर पर जो बिंदु पीपर विभव क्या होगा शून्य होगा अब आते हैं दूसरी स्थिति में दूसरी स्थिति में अगर यदि बिंदु बाहर हो बाहर हो जब बिंदु बाहर होगा तब देखिएगा अगर यह पांच गुणा दस की पावर माइनस आठ गुलाम था यहां माइनस का तीन गुणा दस की पावर माइनस का आठ गुलाम था ये बिंदु ए था यह बिंदु क्या था बी था यह दूरी थी हमारे पास सोलह अब बिंदु बाहर है मान लिया तो यहां से मालिया कोई बिंदु पी है यहां पर इसकी दूरी कितनी है यहां से एक्स है नहीं मान लिया एक ये दूरी हमने टोटल मान लिया यहां से एक्स दूरी पर है ये कहा एक्स दूरी पर तो देखा जाए तो ये जो दूरी होगी ये जाएगी x माइनस सोलह कितनी हो जाएगी यहां पर x माइनस सोलह भाई में से सोलह घटा दो x माइनस सोलह अब हमें बिंदु P पर निकालना है विभव तो बिंदु P पर विभव तो सबसे पहले निकालेंगे पांच गुणा दस की पावर माइनस आठ म के कारण पी पर विभव तो ये हो जाएगा बीवन बराबर इसकी वैल्यू लगा दो नौ गुणा दस की पावर नौ लगा सकते हैं हम इन टू और ये कितना है पांच गुणा दस की पावर माइनस का आठ बटे अब दूरी कितनी है यहां से यहां तक की कितनी है एक्स है तो एक्स हो जाएगा इसी प्रकार माइनस तीन गुणा दस की पावर माइनस आठ कुलाम के कारण बिंदु पर विभव तो ये हो जाएगा हमारे पास बी टू बराबर नौ गुणा दस की पावर नौ इंटू माइनस तीन गुणा दस की पावर माइनस आठ बटे और इसकी दूरी है हमारे पास एक्स माइनस सोलह कितनी है एक्स माइनस सोलह प्रश्नानुसार बी वन प्लस बी टू बराबर क्या हुआ जीरो तो बी वन बराबर हो जाएगा माइनस का बी टू तो वन की वैल्यू कितनी है यहां से देख लीजिएगा तो ये हो जाएगा नौ गुणा दस की पावर नौ दस की पावर नौ इंटू पांच गुणा दस की पावर माइनस आठ बटे एक्स माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा नौ गुणा दस की पावर नौ इंटू तीन गुणा दस की पावर माइनस आठ बटे एक्स माइनस सोलह ये खत्म ये खत्म तो यहां बचेगा पांच बटे एक्स बराबर थ्री अपान एक्स माइनस सोलह तीसरी उड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास पांच एक्स माइनस अस्सी और ये हो जाएगा थ्री एक्स तो ये हो जाएगा पांच एक्स माइनस का थ्री एक्स बराबर कितना हुआ अस्सी तो टू एक्स बराबर अस्सी तो एक्स बराबर हो जाएगा अस्सी बटे चालीस दो, दो चौक आठ तो एक्स बराबर कितना आ गया चालीस सेंटीमीटर अगर बिंदु बाहर है तो विभव चालीस सेंटीमीटर पर शून्य होगा और अगर बिंदु अंदर था तो एक्स बराबर कितना आया था दस सेंटीमीटर होगा तो अगर कहीं पर विभव स्टेप्स क्वेश्चन आता है तो अंदर और बाहर दोनों तरफ देखा जाता है तब अभी निकलता है अब नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में और इसी प्रकार वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करती रहिएगा और यूपी बोर्ड 2024 को सफल बनाइएगा धन्यवाद <coughs>